Yo, what's happening guys, my name is Loggy और आज हम एक बारी फिर से wobbly life वाली दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और guys पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने और चपाती भाई ने Pennywise वाले गेटअप के अंदर जाकर हमने यहाँ पर आंटी जी की वो जो सामने guys वो ब्लू वाला घर आप देख रहे हो ना, उसकी पार्टी हमें यहाँ पर बचानी थी। तो हम यहाँ पर guys क्लाउन वाली आउटफिट के अंदर वहां पर गए थे और हमने सारी पार्टी को एकदम से खुश कर दिया। लेकिन मैं कब से guys इसी क्लाउन के आउटफिट के अंदर घूम रहा, तो एक काम करते हैं, पहले मुझे जाना है घर के अंदर और ये क्लाउन वाली आउटफिट पहले मुझे यहां से उतारनी है। तो लेट्स गो सीधा चलता हूं मैं अपनी अलमारी के पास। और अभी अगर मैं चेक करके देखूं तो तेरी मेरे पास तो इंडियाना जोन्स वाली टोपी आ चुकी है। तो चलो एक काम करते हैं, ये पहन लेते हैं, इसके बाद मुझे पहनना है ये एकदम से काले वाला कोट। और फाइनली मैं कौन सी पैंट इसके साथ पहनूं, एक और ये ब्लू वाली एकदम से बढ़िया लग रही है। तो एक काम करते हैं अभी सीधा चलते हैं। और लिटरली मैं बता रहा हूँ ब्रोज, मैं लिटरली यहाँ पर इंडियाना जोन्स लग रहा हूँ। अगर चपाती भाई के सामने मैं अगर चला गया तो उनको भी बिल्कुल यही लगेगा। और चपाती भाई से याद आया, आज गाइस मैंने सोच के रखा है कि क्यों ना मैं यहाँ पर चपाती भाई को ट्रोल करूँ एकदम से बढ़िया वाला। तो बहुत टाइम पहले गाइस आपको याद होगा कि मैंने एक्चुअली यहां पर एक सीक्रेट यूएफओ अनलॉक करके रखा था। तो उसको अनलॉक करने के लिए गाइस वो जो सामने आप स्नो वाली पहाड़ देख रहे हो उसके अंदर जो सीक्रेट लैबोरेटरी बनी हुई थी उसके अंदर हम वहां पर गए थे और वहां से मैंने और चपाती बाई ने यहां पर अनलॉक किया था सीक्रेट सा यूएफओ। लेकिन आई डोंट थिंक कि चपाती बाई को याद है कि वो वाला यूएफओ हमने एक्चुअली अनलॉक करके रखा हुआ था। तो एक काम करते हैं सीधा इसी प्लेन को यहां पर पकड़ते हैं और अभी मुझे जल्दी से जाना है उस सीक्रेट लैबोरेटरी के अंदर और वहां से मुझे उठाना है यूएफओ। और वो देखो सामने चपाती भाई चिल मार रहे हैं, होपफुली वो मुझे यहां पर ना देखे। लेकिन अगर मैं ऐसे झांकने की कोशिश कर रहा हूं तो चपाती भाई एक्चुअली कर क्या रहे हैं, अच्छा ट्रेन के ऊपर चिल मार रहे हैं। तो चलो सही है भाई, जब तक गाइस चपाती भाई ट्रेन के अंदर चिल मारते हैं तब तक गाइस मैं जल्दी से जाता हूं ऊपर। और वो देखो सामने गाइस जो वो ग्रीन वाले दरवाजे आप देख रहे हो बिल्कुल उसी के अंदर बनी हुई है सीक्रेट लैबोरेटरी। और अभी मैंने यहां पर बटन भी दबा दिया है और वो ये सीक्रेट लैबोरेटरी कितनी ज्यादा कूल लग रही है भाई, ये तो लास्ट टाइम से भी काफी ज्यादा यहां पर एडवांस चुकी है। ये देखो यहाँ पर कैसे होलोग्राफिक रॉकेट्स भी बने हुए हैं, यहाँ पर कितनी बड़ी यूएफओ भी खड़ी है जो मुझे यहाँ से लेकर जानी है। तो हेलो साइंटिस्ट सर जी, कैसे हो? ऑब्वियसली ये तो मुझे जानता है क्योंकि मैंने इसको यूएफओ बनाने में बहुत बड़ी मदद यहाँ पर की थी। और देयर वी गो भाई, हमारा यूएफओ फाइनली यहाँ पर आ चुका है। तो पैर मैंने अभी इसके ऊपर कर दिए और वो देखो बिल्कुल सामने चपाती भाई जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं अभी मुझे एकदम हल्के हल्के से ये यूएफओ यहाँ पर नीचे करना है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो नीचे से बीम ऐसे मैं जो मार सकता हूँ इसी बीम को मुझे यूज करके चपाती भाई को पूरा ऐसे उठा देना है। ये कौन सी शैडो है ओए? पैदल ओ तेरी भाई, आई थिंक उन्होंने यहाँ पर शैडो देख ली और आई थिंक ये ग्लाइडर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं चपाती भाई। कोई बात है, आज हम ग्लाइड करेंगे अपना प्लेन। काम करते हैं। यूएफओ का ओ तेरी भाई, मैंने पूरा उड़ा लिया चपाती भाई को और अभी तक मेरे साथ आ रहे हैं भाई साहब। यार ये तो प्लान में था ही नहीं भाई, मैंने चपाती भाई को ऐसे कैसे किडनैप कर लिया। अच्छा लॉगी बैठा हुआ है यार, दिल मंदिर आया तो हेलो। ए चपाती भाई, यूएफओ में कैसे घुस गए ओए? ब्रो तेरी यूएफओ क्या बढ़िया लग रही है यार, क्या क्रिसमस की लाइटें उसके ऊपर लगी हुई है, मैं एकदम से खतरनाक। और ये मैं बता रहा हूँ, ये हेडलाइट ऑफ कर ले, बैटरी खत्म हो जाएंगी। कौन सी हेडलाइट है भाई, कौन सी हेडलाइट है? अरे वो जो चमक रहे ना ऊपर वो खरबूजे की तरह, ओ माय गॉड। अरे बीम भी है तेरे पास तो यार, और नीचे वाली लाइटें देखे तो एकदम से खतरनाक मैन। कितनी जबरदस्त बीम मेरे पास आ चुकी है। लेकिन एक्चुअली मुझे जानने की ये बीम कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्या मैं इसके साथ गाड़ी उठा सकता हूँ क्या? यो मच्छियां पकड़ते हैं मच्छियां। अरे मच्छी नहीं आएगी भाई बीम के साथ, मुझे जानने की क्या ये गाड़ी उठा पाएगी या नहीं। तो अभी अगर मैं नीचे जाके देख, ओ तेरी भाई साहब, मैंने तो दो दो गाड़ियां उठा ली यहाँ से, तो खतरनाक। मेरे पास मस्त प्लान आया, तो याद है लास्ट वाली वीडियो में हमें उस मैकेनिक ने लूटा था, तो आज हम उसका पूरा शोरूम ही चक लेते हैं। हाँ सही है सर। अरे मैंने दो दो गाड़ियां मेंशन के अंदर ठोक दी ले। अरे मेंशन से याद आया ब्रो, तेरे को पता है यहाँ पर चार मेंशन बने हुए हैं, यहाँ पर पूरे आइलैंड के सबसे खतरनाक वाले मेंशन है। और तेरे को एक बात पता है, हर एक मेंशन का अपना अपना बेनिफिट है, अपना एक यूनिक पॉइंट है। और ये वाला मेंशन देख कितना बड़ा है यार। भाई पहले ये वाला देखते हैं। तो अभी अगर मैं ये वाला पीछे से देखू तो इसके पास सुपर यॉट की जगह भी बनी हुई है, टॉप वाले फ्लोर के ऊपर बना हुआ जिम। और अगर राइट साइड पे आके देखे तो वो देखो भाई, उसका सामने कितना बड़ा बेडरूम भी बना हुआ है। और जैसे ही वो बाहर आया सामने कॉफी टेबल भी पड़ा है और उसके सामने स्विमिंग पूल। ब्रो ये मेंशन कितना मस्त लग रहा है यार, एकदम से मॉडर्न बना हुआ है यार ये वाला तो। होली क्रैप, उसका टीवी देख कितना बड़ा है भाई साहब, उसका टीवी कितना ज्यादा बड़ा है भाई। इमेजिन अगर हमने उसके ऊपर GTA 5 लगा ली तो कितना ज्यादा कूल लगेगा भाई। अगर इसके ऊपर GTA 5 लग गई ना तो लिटरली GTA 7 दिखेगी वहां पर तो।
और आज आगे से भी देखते हैं भाई, आगे से देख रहे हो क्या व्यू है भाई इसके पास, ऐसे बड़ी बड़ी खिड़कियां ऐसे लगा के रखी हैं, अंदर एक्वेरियम भी बना हुआ है। यो ब्रो पार्किंग देख कितनी बड़ी है घर के सामने, साथ में इसके पास ये प्राइवेट गैरेज एरिया भी बना हुआ है और एक चिल वाला एरिया भी भाई। ये वाला नो वे क्या, मैंने एक बात नोटिस की। क्या ब्रो मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, मैंने ओपी बात नोटिस की। तो ब्रो हम इस वीडियो के अंदर ये वाला मेंशन लेंगे भाई, क्या खतरनाक बात मैंने नोटिस की यार, नीचे रोक इसको। अच्छा नीचे भाई आपने ऐसा क्या देख लिया इस मेंशन के अंदर जो हमने यहाँ पर नहीं देखा? अभी ए हैंग ऑन अ सेकंड, अगर हम यहाँ मेंशन के एक यार्ड के अंदर आ चुके हैं जिसका मतलब ये है कि हमें बाय करने की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही ले सकते हैं। लेट्स गो फ्री का मेंशन। अरे आई डोंट थिंक ऐसा चलेगा भाई, आई थिंक दरवाजे लॉक्ड है सारे तेरी, सब कुछ बंद कर दें। आ जाओ भाई गैराज वाले रास्ते से चलते हैं भाई, यूजुअली पीछे वाला दरवाजा खुला होता है। और रास्ता अच्छा नहीं है भाई, ये वाला भी लॉक है। खोलो दरवाजा। अबे टोपी क्या पकड़ ली भाई, मेरी टोपी पकड़ ली आपने, मेरे को लगा वो दरवाजा था। एक काम करता लॉक, ये सामने एक दरवाजा बना हुआ है, तो एक काम करता वहां से भी ट्राई मार लेते हैं। भाई मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना यूएफओ सीधा ठोक ले इसके ग्लास के अंदर। अरे नहीं खुलेगा भाई, यहाँ पर टॉप सिक्योरिटी लगी हुई है, आई डोंट थिंक ये इतनी आसानी से खुलेगा। वही ये कपड़े धोने की जगह नहीं है ये, ठीक है ना, ये फाउंटेन होता है फाउंटेन। अच्छा वैसे बताना कि आपने कौन सी चीज यहाँ पर नोटिस करके रखी है? मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको मेंशन को बाय करना और तू वो चीज देखेगा ना भाई साहब, तू बोलेगा यार एकदम एपिक है यार वो चीज तो। अच्छा ऐसा क्या, चलो भाई मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ और यहाँ पर वेट करता हूँ, लेकिन एक काम करते हैं पहले मुझे जानना है कि ये मेंशन एक्चुअली कितने का यहाँ पर आ रहा है, कितने का दिखा रहा है वो। एक सेकंड भाई, पहले मुझे अपना यूएफओ यहाँ पर पार्क करने दो, और अभी अगर मैं जरा चेक करके देखूँ तो भाई साहब $10,000 का, लेकिन मैं इसको बाय क्यों नहीं कर पा रहा? क्या बोल रहा है ये? अरे भाई ये बोल, अरे मैं समझ गया, आई थिंक भाई वॉबली लाइफ की दुनिया में हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पर ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने उस सामने वाले आइलैंड पे जो घर खरीद के रखा है पहले आपको वो वाला बेचना पड़ेगा। अरे यार लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो घर इतने से चौमू हो चुका है, तो एक काम करते हैं फटाफट से वो वाला घर जाके बेच के आते हैं और इस बड़े वाले मेंशन को बाय कर रहे हैं। चल बैठ अंदर। अरे सही, अरे भाई अबे गाड़ी के अंदर बैठ गया बंदे। चलो चपाती भाई यहाँ पर अगली सुबह भी हो चुकी है, तो एक काम करते हैं सीधा चलो अपने घर के पास और सारे कागज निकालो और घर को बेच दो यहाँ पे। इतने लुटेरे बंदे है ना, तो इन्होंने मेरे से $1,000 लिए थे और बेचने में कितने दिए 500, फिर मेरे को बोलते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइस हमेशा ऊपर जाती है, कहां पर है? लगता है भाई आपने घर भी दीवारें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपने खराबी की होगी भाई, मुझे पता है कुछ भी नहीं किया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, घर मैंने अपना बेच के रखा हुआ, तूने अपना घर बेच दिया क्या? अरे भाई फिलहाल तो मैंने नहीं बेचा, पहले मुझे आपका मेंशन देखना है यहाँ पे। चल अबे दोनों सेम ही मेंशन लेंगे ना। अच्छा सेम वाला लेना है, आ जाओ फिर मैं हाँ। काम करते मैं फटाक से अपना घर भी बेच के आ जाता हूँ। तो मुझे याद है मैंने भी अपना घर यहाँ पर खरीदा था पूरे $1,000 कैश में, और अरे यार मुझे सीधा घर की छत पे फेंक दिया इन लोगों ने। और यूएफओ कहाँ जा रहा है मेरा? ओए भाई साहब यूएफओ मेरा चला गया भाई, अपने आप चल रहा है। लेकिन चलो एनीवेज अभी अगर मैं घर के पास जाके देखूं और सेल करके देखूं तो अच्छा ये लोग भी मुझे $500 दे रहे हैं, तो चलो एक काम करते हैं यहाँ पर सेल कर लेते हैं। अभी अगर मैं बोर्ड के पास जाके देखूं तो अब की बारी मेरे पास बाय वाला ऑप्शन आ चुका है, तो चलो भाई एक काम करते ज्यादा सोचते नहीं है सीधा ले लेते हैं यहाँ पर एकदम से ब्रांड न्यू मैंशन। और भाई क्या दरवाजा यहाँ पर खोला एकदम से स्लाइड होके, और ये देख आते ही गाइस मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर हमेशा की तरह हर एक मेंशन के साथ मैंने नोटिस किया कि ये लोग आपको फ्री में ट्रैम्पलिन भी दे रहे हैं। ये पड़ा हुआ है यहाँ पर ट्रैम्पलिन पड़ा हुआ है, मैं भी भाई ये ऊपर जाने के लिए हमें चाहिए होगा। और आते ही गाइस अपना ये है खतरनाक वाला वाटर फीचर, एंड एट द सेम टाइम ओके यहाँ पर तेरे को कूड़ा ही फेंकना पड़ेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ कूड़े फेंकने की जॉब मेरे को नहीं करनी। अरे टेंशन मत करो भाई उसके लिए बंदा हायर कर लेंगे, अभी तो हमारे पास मॉडर्न मेंशन आ चुका है। ओके साथ में यहाँ पर गैरेज भी बना हुआ है। पीछे के दरवाजे से जा रहे हो भाई, मैं तो मेन दरवाजे से जाऊंगा। मेरी गोल्फ किट पड़ी हुई थी वहाँ पर, गोल्फ किट। अपना घर कितना ज्यादा बड़ा है, आज आज चपाती भाई मैं आपके लिए यहाँ पर दरवाजा खोल दिया है, और वो ये मेंशन कितना ज्यादा बड़ा है। तो ये देखो भाई आते ही यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा डाइनिंग एरिया, और यहाँ पर कितनी सीटें हैं, यहाँ पर 8 सीट्स हैं, तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर वॉबली लाइफ की पूरी दुनिया के साथ यहाँ पर रोटी खा सकते हैं। और इसके बाद आएगा हमारा लॉन्ड्री एरिया, और साथ में आई थिंक ये सिर्फ लॉन्ड्री और किचन एरिया है यहाँ पे। और ये देखो भाई हमारे पास तो वो वाला फ्रिज आ चुका है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी भी निकलता है। और ये देख सामने मच्छी, तो गाइस आज हम खाएंगे मच्छी, कुर्सी लेके और तोड़ते हैं इसको। अरे रेन बहुत पेट है भाई, क्या ट्रोल कर रहे हो, अपने पेट्स हैं वो। और ये विंडो देख कितनी मस्त लग रही है यार, एकदम ग्रैंड विंडो है यार ये वाली। तो ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया भाई, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम शाम की चाय यहाँ पर एकदम से बैठ के चिल मार के पियेंगे। और आजो भाई इस वाले कमरे के अंदर क्या है, बड़ा सा पूल टेबल भी लगा हुआ है, और टीवी देख रहे हो कितना बड़ा बना हुआ है यहाँ पे, और बजाने भी बजा सकता हूँ, सुन रहा है क्या तुम्हारा पियानो? और तेरी वो देखो भाई टीवी भी चल रहा है अपना, लेट्स गो। मैं पियानो बजा सकता हूँ, लाइव ब्रॉडकास्ट आ रहा है। और भाई
पियानो भी आप बजा सकते हो। ये देखो ऑब्वियसली मेरा पियानो के बजाने के स्किल्स इतने मस्त नहीं है, लेकिन मैं सीख जाऊंगा कुछ दिनों में। अरे टेंशन मत करो चपाती भाई, आप सीख जाओगे। व्हाट है ये, क्या है? वो स्नूकर भी खेल सकते हैं, वो देखो देखो देख। अरे भाई वो तो मैंने देखा, लेकिन इधर देखो यहाँ पर एक और रास्ता बना हुआ है, ये तो हमने बाहर से देखा ही नहीं। ये देखो भाई अंडरग्राउंड जा रहा है। अरे वो यॉट के पास जाएगा ना। अरे भाई साहब यॉट नहीं है यहाँ पर, तो सीक्रेट दरवाजा बना हुआ है। ये देखो भाई सीक्रेट चिल एरिया बना हुआ है। ये देखो भाई यहाँ पर हम बार टेंडिंग भी कर सकते हैं, तो आई थिंक ये पार्टी वाला एरिया है यहाँ पे। ओके जब अपने बंदे आएंगे ना यहाँ पर तो फुल ऑन पार्टी होगी, मैं तेरे को बता रहा हूँ। यहाँ पे भाई मुझे जानना है कि यॉट वाला रास्ता किधर है। आज ये भाई यहाँ पर दरवाजा तो बना हुआ है। ओ ये रही भाई हमारी यॉट, कहाँ पर है? तो यहाँ से हम यॉट को एक्सेस कर सकते हैं। कितना बढ़िया यहाँ पर बना हुआ है भाई, अपनी यॉट भी है सामने, देख रहे ना तू भाई। एकदम से फ्री वाली यॉट इन्होंने दी है। और आज भाई ये तो सिर्फ पहला हिस्सा था घर का। अभी अरे भाई अभी मेंशन के ऊपर पैसे। अरे भाई अभी तो सिर्फ ये पहला हिस्सा था, अभी तो हमें दूसरा हिस्सा भी देखना है घर का। तो आज स्टेयर्स और वो मेन पार्ट जो मैंने देख के रखा है उसके बारे में कैसे भूल सकता तू? कौन सा मेन पार्ट है भाई? खतरनाक एपिक सीन मैंने नोटिस किया घर के अंदर। मैंने तो अभी तक नहीं देखा, किसकी बात कर रहे हैं? तो ये रहा okay. एकदम से हमारा एक और चिल वाला एरिया। और ये देखो भाई ये इंस्ट्रूमेंट कितना बड़ा है, हम इसको भी बचा सकते हैं यहाँ पे। ये रहा रूम नंबर वन। तो अगर मैं रूम नंबर वन के अंदर जाके देखूं तो ये रहा भाई हमारा पहला बेडरूम। ओह माय गॉड, सामने स्विमिंग पूल भी है। व्हाट, कहाँ पर है? ओह स्विमिंग पूल तो मैंने देखा ही नहीं। आ जाओ भाई साहब देख रहे हो। और वो देखो, ये देखो भाई बालकनी की दूसरी तरफ आपका बेडरूम आ चुका है। और आपके पास तीन बेड्स कैसे हुए? देख मैन क्या व्यू है यहाँ का यार। वो तो मैं देख रहा हूँ यार, कितना बढ़िया है। कि इसके ऊपर बटन लगा हुआ है क्या ऐसे इसको स्टीम करने का? अच्छा नहीं लगा है आई थिंक। अरे ये देखो भाई मुझे यहाँ पर और ज्यादा स्टेयर्स मिली। तो एक बार फिर से यहाँ पर बाथरूम बना हुआ है और इसके साथ में स्टेयर्स बनी हुई है। अरे भाई अगर मैं ये वाला स्टेयर्स क्यों फॉलो करके देख दो, ये रहा भाई हमारा जिम जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था। कहाँ पर? यारे बिल्कुल ऊपर आ जाओ भाई, जो बाथरूम के साथ। और आ जाओ पहले मैं अपना ट्रेडमिल थोड़ा बहुत मारता हूँ भाई। भाई ये वाला लाइफ मेरे को चाहिए एकदम से रियल लाइफ में यार, जिम के साथ। क्या व्यू देखो सामने, देखो कितना बड़ा व्यू है सामने, चॉपर बना हुआ है, पहाड़ भी बने हुए हैं। कितना मस्त है भाई यहाँ पे यार, ये कितना मस्त है। अभी मैं तेरे को बेंच प्रेस करके दिखाता हूँ पूरे 1500 किलो। रहने दो भाई, बाहर आ जाओ। ये देखो भाई हमारे पास प्राइवेट चॉपर भी खड़ा हुआ है। अरे मतलब कि एकदम से खतरनाक मस्त है ना भाई। तो हमें यहाँ पर साथ में यॉट भी मिली, यूएफओ भी आ चुका है। और ये देखो भाई सेलिब्रेशन करने के लिए फायरवर्क। मैंने यही देखा था। अच्छा आपने यही देखा? ये तो मैंने देखा ही नहीं था। और कमन भाई सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर थोड़े बहुत फायरवर्क्स भी मार देती है। पड़ोसियों को तंग करने का पूरा सामान इन लोगों ने देख रखा है यहाँ पर। और इसी के साथ ही हमारे पास यहाँ पर एकदम से मॉडर्न मेंशन यहाँ पर आ चुका है वॉबली लाइफ के अंदर। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।